विराट कोहली और शुभमन गिल के हवाले से ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ा जो है इस टाइम जो है वो रो रहा है, आप ये कह सकते हैं, और बड़ा परेशान है कि यार इनको हम कैसे रोकेंगे। वनडे टेस्ट चैंपियनशिप बहुत बड़ा मैच है और ये फाइनल है, इसके बाद आप चैंपियन खेला होगा, इसके लिए भी माहौल बनाए, यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सपोर्ट सीख कर रहे हैं अपने फैंस की, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, उनको जीतना चाहिए, पर ऑस्ट्रेलिया के चांस ज्यादा है इस बार। इंडिया पिछली बार ही हारा था, इस बार इंडिया जीत जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में विराट कोहली हमें सबसे ज्यादा परेशानी में डालेगा, तो यार इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल में देखे उस बंदे ने क्या किया, ड्रेसिंग रूम में भी लोग कहते हैं कि विराट भाई के बाद हम तुझे समझते हैं कि तू हमारी टीम आगे जाकर इंडियन क्रिकेट को संभालेगा। स्ट्रॉन्ग टीम तो बेशक दोनों फाइनल तक पहुंचे दोनों ही है, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। स्पोर्ट को थोड़ी डेफिनेशन तो आया था, अगर स्पोर्ट हम करते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हम स्पोर्ट तो पाकिस्तान को करते हैं, कभी इंडिया जीत जाता है, ज्यादातर इंडिया जीता है वर्ल्ड कप। शुभमन गिल की बात करें, वो तो भाई बंदा किसी अलग ही लेवल की फॉर्म में है, आईपीएल में लास्ट जो है वो 4 मैचेस में 3 सेंचुरियां बना चुके हैं, इससे पहले बड़ी अच्छी फॉर्म में है। सारे काम असल से ऊपर बनाने के बाद 95% वो टीम ये टेस्ट हारेगी नहीं, क्योंकि ये प्रेशरस गेम है, चाहे टेस्ट क्रिकेट है, ये मैं आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया और जीत के दरमियान कोई दो बंदे खड़े होंगे तो वो कोहली और शुभमन गिल खड़े होंगे, इन दोनों को आउट जल्दी करना पड़ेगा हमारी टीम को, अदरवाइज हमें जो है डब्ल्यूटीसी का फाइनल फिर भूलना पड़ेगा। उनके बहुत से प्लेयर है, जैसे कि वो शुभमन गिल है वो भी अच्छी फॉर्म के अंदर है, विराट कोहली है, उसके बाद उनका पुजारा है, ये उसके बाद जो है जडेजा है, इतने ज्यादा प्लेयर है जो अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह वो करेंगे। शुभमन दो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के ओवल में होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है। दरअसल बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 तारीख को इंग्लैंड के ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डब्ल्यूटीसी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि इस बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में विराट कोहली का बल्ला गरजेगा, क्योंकि विराट कोहली का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरदम गरजता है, क्योंकि विराट कोहली का फॉर्म 2016 वाला वापस आ गया है और यह फॉर्म इतना तगड़ा है कि किसी भी बॉलर को या किसी भी टीम को यह धूल चटाने में लिए काफी होती है। वहीं हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत ही तगड़ी है, लेकिन भारत के मुकाबले उतनी तगड़ी नहीं है, क्योंकि भारत में अच्छे अच्छे बैट्समैन और बॉलर मौजूद है। वहीं भारत में भले ही बुमराह नहीं खेल रहे हों, लेकिन उनके जगह मोहम्मद सिराज उनका कमी खलने नहीं देंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी गजब के फॉर्म में हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पिछले मैचों में काफी अच्छा रहा है और अभी रिसेंट में चले आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डब्ल्यूटीसी फाइनल में विराट कोहली फॉर्म में नजर आएंगे या नहीं? पिछली दफा जो डब्ल्यूटीसी फाइनल हुआ था उसमें तो इंडिया हार गया था न्यूजीलैंड का, तो इस दफा क्या लग रहा है आपको, कौन जीतने जा रहा है? मेरा ख्याल है इंडिया इंशाल्लाह विन करेगा। जी क्या वजह लग रही है इंडिया की, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है और जहाँ तक कंडीशन की बात है ऑस्ट्रेलिया को सूट भी करेंगी। हाँ ये बात भी आपकी है, लेकिन इंडिया मतलब कि इंडिया का हमें चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आईपीएल भी अभी उनकी हुई है, वो प्रैक्टिस में है, प्लेयर उनके फॉर्म में है, कोहली भी एक दो और उनके बॉलर बैट्समैन माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं। शुभमन गिल और विराट कोहली भाई इनका खौफ ऑस्ट्रेलिया को खाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के हर रोज कोई जो है लेजेंड निकल के आता है और विराट कोहली और शुभमन गिल के हवाले से बात करता है। रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली के हवाले से बात किया कि विराट कोहली जिस टच में मुझे नजर आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में विराट कोहली हमें सबसे ज्यादा परेशानी में डालेगा, तो यार इसमें कोई शक नहीं है। आईपीएल में देखें उस बंदे ने क्या किया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उससे पहले उस बंदे ने 196 के कितने 186 की या 85 की इनिंग्स खेली थी, ठीक है। तो विराट कोहली विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट बहुत अच्छी फॉर्म में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसे ही विराट कोहली खतरनाक हो जाते हैं। केएल राहुल को आप मिस करेंगे, लेकिन पुजारा और विराट कोहली का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है ये, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा प्रेजिंग या फिर सूरज को चराग दिखाने वाली बात तो करूंगा नहीं, लेकिन विराट कोहली के करियर को जिस जिसने पढ़ा है वो कुछ अनोनिया करते हैं, कुछ अजीब अजीब से बॉलर से भी आउट हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक चीज है कि नहीं, लेकिन उसमें जो अब इसी बात को आप जरा मनफी को मुस्बत भी जोड़े कि विराट को मालूम है वो मैदान है जहाँ मेरे रन नहीं है, जहाँ मेरे रन नहीं है, और इस वक्त विराट कोहली वापस बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ कि विराट कोहली वो वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की इनिंग के अलावा वो तो कुछ अलग खेल गए, वो ऐसा खेल गए कि वो 2016 में भी नहीं खेले ऐसा। शुभमन गिल की बात करें, वो तो भाई बंदा किसी अलग ही लेवल की फॉर्म में है, आईपीएल में लास्ट जो है वो 4 मैचेस में 3 सेंचुरियां बना चुके हैं, इससे पहले बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो उन पर भी माइक हसीना ने ये बोला कि
विराट कोहली और शुभमन गिल, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि ये हमें जो हम मुश्किल में डाल सकते हैं और इनको हमें रोकना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो फॉक्स न्यूज पे आके कह रहा है कि भाई जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया और जीत के दरमियान कोई दो बंदे खड़े होंगे तो वो कोहली और शुभमन गिल खड़े होंगे, इन दोनों को आउट जल्दी करना पड़ेगा हमारी टीम को, अदरवाइज हमें जो है वो WTC का फाइनल फिर भूलना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ बल्लेबाजों की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओवल में ये जो ड्यूक के बॉल का शोर है, बॉलर्स का चर्चा है, ये तो सब सोच रहे हैं। देखिए एक मैच को पढ़ते हम सब रहे कि बॉलर जो है वो पिछाड़ देंगे किसी भी ड्राई लाइनअप को, ड्राई मौसम होगा, लेकिन अगर मौसम विकेट ऐसी हुई और विकेट में ड्राइनेस मौजूद हुई, अगर ओवरकास्ट भी होता है तो पहली कंसोलिडेशन वाला जो पीरियड है ना आपका, वो अगर सर्वाइवल गेम खेलने में कामयाब हो गए चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली, विराट कोहली आपको बड़े रन देंगे और चेतेश्वर पुजारा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि रोहित शर्मा ने टॉस जीतना है, ये बता दूंगा आपको, टॉस जीतना है। इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, उनको जीतना चाहिए, पर ऑस्ट्रेलिया के चांस ज्यादा है इस बार। इंडिया पिछली बार ही हारा था, इस बार इंडिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा इस बार, ऑस्ट्रेलिया के कह रहे हैं, बाकी सारे इंडिया के कह रहे हैं। पहले तो आप बताओ, इधर शुरू करते हैं, इंडिया का कौन सा प्लेयर लग रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इंडिया की टीम स्ट्रांग है? जो विराट कोहली है वो बहुत तगड़ा बैट्समैन है, उसका मुकाबला नहीं है यहाँ पे, मुकाबला नहीं है कोहली के, देख ले फैन आप क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो यार ये देखें जरा, अजीब गरीब बात किया आपने, विराट का जो चलना है वो टीम इंडिया का चलना है, हाँ। रोहित शर्मा का एम एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बाकी लोग अपना एम सेट किया है वो किसको देख के क्या होगा, स्मिथ को या बैट कमिंस को देख के? नहीं, विराट को देख के सेट किया होगा कि ये वो आदमी है जो मुझे जितवाएगा। हाँ। तो सारी जो चीजें इस बैट्समैन कप्तान है वो अपनी बैटिंग को देखेगा, बट उसकी ख्वाहिशात और उसकी सोच में विराट, पुजारा, इवन अजिंक्य रहाणे। और तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली की तारीफ कर रही है कि विराट कोहली इस WTC फाइनल में 100 मारेगा, अगर विराट कोहली नहीं मारा तो इसके जगह रोहित शर्मा मारेगा। वहीं हम बात करें विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में, तो विराट कोहली का फॉर्म लगभग पिछले मैचों से काफी अच्छा रहा है और इंटरनेशनल में तो काफी अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म पिछले कई मैचों में बिल्कुल भी खराब रहा है। और हम बात करें इंटरनेशनल करियर में रोहित शर्मा की, तो उनका फॉर्म रिसेंटली बहुत ही खराब चल रहा है, क्योंकि उनका पिछले मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। जैसे हम देख सकते हैं रिसेंट में अभी IPL खत्म हुआ है, इसमें उनका फॉर्म 0 के बराबर है। अगर हम कहें कि उनका फॉर्म बिल्कुल ना के बराबर है तो सही होगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा का ऐसा ही फॉर्म रहा तो WTC के फाइनल में भी इनका फॉर्म ऐसा ही रहने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका फॉर्म और अच्छा हो। और हम बात करें WTC की, तो पिछले कई सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं कि WTC का फाइनल आ जाए, लेकिन हम सेमीफाइनल फाइनल में जाकर हार जा रहे हैं, और इस समय उम्मीद है कि हम इस बार WTC का फाइनल मुकाबला जीत कर ही आएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से ICC का कोई भी ट्रॉफी हमारे वहाँ नहीं आई है। इस बार उम्मीद है कि इस बार WTC का फाइनल ही जीत कर हम ICC का ट्रॉफी घर ले आए। वहीं हम बात करें IPL लेजेंड सुपरस्टार बल्लेबाज शुभमन गिल की, तो उनका फॉर्म पिछले कई मैचों में बहुत ही अच्छा रहा है और उनसे उम्मीद है कि WTC के फाइनल में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, कि अभी उनका रिसेंट में IPL में इतना परफॉर्मेंस अच्छा था कि उन्हें ऑरेंज कप मिला हुआ था, और इनका उम्मीद यही है कि WTC के फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस करें। और हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह की कमी तो खलेगी, क्योंकि उनके जैसा फास्ट बॉलर इंडिया में अभी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जगह मोहम्मद सिराज ले सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कई मैचों से करते आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना है कि रिकी पोंटिंग कह रहे हैं कि विराट कोहली और शुभमन गिल को हमें रोकना होगा, क्योंकि ये दोनों अगर टिक गए तो पूरे WTC में तहलका मचा देंगे और इनकी पूरी निगाहें शुभमन गिल और विराट कोहली पर होगी कि इन्हें जल्द से जल्द आउट किया जाए, क्योंकि अगर ये दोनों टिक गए तो WTC के फाइनल में ही सबको धूल चटा देंगे, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। वहीं ऑस्ट्रेलियन मीडिया भारतीय टीम के ऊपर भड़काऊ बयान दे रही है कि हमें भारतीय टीम को आसानी से हरा देंगे, क्योंकि भारतीय टीम पिछले कई मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है WTC के फाइनल में। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी WTC की फाइनल मुकाबला, भारतीय टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम? हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।